जैसा कि आप जानते होंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी करेंटली न केवल भारत की ऊंची स्टैचू बल्कि पूरे वर्ल्ड की सबसे ऊंची स्टैचू है, जिसकी टोटल हाइट 182 मीटर है। इंडिया के पहले गृह मंत्री और आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्टैचू को स्टैचू ऑफ यूनिटी कहा जाता है। इनकी स्टैचू को स्टैचू ऑफ यूनिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि स्वतंत्रता के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 560 से ज्यादा भारतीय रियासतों को एक संयुक्त भारत के रूप में गठन किए थे। तो चलिए जानते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी से जुड़े कुछ फैक्ट्स। इसकी इतनी लंबाई होने के कारण इसे 7 किलोमीटर की दूरी से देखा जा सकता है। आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्टैचू को बनाने के लिए लोहा दान अभियान चलाया गया था। देश के कई हिस्सों में कोमल लोगों से लोहा डोनेशन के रूप में मांगा गया था। इस स्टैचू की कंस्ट्रक्शन में 300 इंजीनियर और 3000 प्लस लेबर्स ने अपना कंट्रीब्यूशन किए हैं। इंडियन लेबर्स के साथ साथ चाइनीज लेबर्स ने भी इसमें काम किए हैं, जिसमें से 200 चाइनीज लेबर्स थे। इस स्टैचू के पैरों में 4 हाई स्पीड का लिफ्ट लगे हुए हैं और सभी लिफ्ट केवल 30 सेकंड में 26 लोगों को ऊपर ले जा सकती है। इस स्टैचू के साथ साथ 250 एकड़ जमीन में फूलों की वैली बनाई गई है। इसका उद्घाटन 31 अक्टूबर 2018 में नरेंद्र मोदी द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की 143वीं वर्षगांठ पर किया गया। इसे बनाने में 4 टाइप्स के मेटल जैसे कॉपर, जिंक, टिन और ग्लास लगे। इससे मूर्ति में सालों तक जंग नहीं लगेगी और सैकड़ों वर्ष तक खराब नहीं होगी। आपको ये जानकारी कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए।